ओके, सो हेलो एंड वेलकम गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,20,000, ठीक है। 10 रुपये का इसका क्या है फेस वैल्यू? 12 लाख हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 है अपने पास। जनरल रिजर्व कितना है? 3,50,000। चलो, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कितने शेयर्स ये लोग बाय बैक करेंगे? 1,20,000 जो है वो पूरा 100% है उसका, 25% कैपिटल एट 12 पर शेयर, मतलब एक शेयर कितने का है? 10 का है, लेकिन बाय कितने में करेंगे? 12 रुपये में, ठीक है। तो मतलब प्रीमियम पे बाय कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे बाय कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? चलो देखते हैं अभी। देखो, हम लोग ने ये फॉर्मूला लिख लिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1,20,000 हमारे पास शेयर्स हैं, हम लोग कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं? सिर्फ 25%। तो 1,20,000 का 25% कितना होगा? 30,000 शेयर्स। और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो यहाँ पे 10 रुपये लिखेंगे। तो अपने को टोटल कितना फंड चाहिए अभी? 3,00,000 रुपये चाहिए बायबैक के लिए, ठीक है। बट 30,000 शेयर्स जो हम लोग बायबैक करेंगे उस पर हर शेयर के पीछे कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 2 रुपया। 10 का शेयर कितने बायबैक कर रहे हैं हम लोग? 12 रुपये में ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 रुपया यहाँ पे प्रीमियम पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो आप लोग। तो अब यहाँ पे 3 लाख है नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक, तो सामने भी क्या होना चाहिए? या तो फ्रेश इशू से 3 लाख रुपया लाओ या तो फिर CRR क्रिएट करो। तो अपने को क्वेश्चन में कहीं पर भी फ्रेश इशू के बारे में बोला नहीं है, तो फ्रेश इशू 0 होगा। फिर CRR मेंटेन करना हमें 3 लाख रुपये का यहाँ पे, तो 3 लाख है क्या अपने पास? तो आप लोग देखोगे तो आपके पास जनरल रिजर्व में 3,50,000 रुपया पड़ा है, तो वहाँ से हम 3 लाख आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो CRR कहाँ से यूज़ किया हमने? जनरल रिजर्व से। अब 30,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 60,000 आएगा, ठीक है। अब ये 60,000 रुपये हम लोग कहाँ से यूज़ कर सकते हैं? आइदर सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर डिविजुअल प्रॉफिट। डिविजुअल प्रॉफिट का मतलब होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। तो जनरल रिजर्व में हमारे पास कितना है क्वेश्चन में देखो तो 3,50,000 है, बराबर है। लेकिन इस 3,50,000 में से 3 लाख हम लोग ने काय के लिए यूज़ किया? CRR के लिए यूज़ किया। तो बचा इसमें कितना? 50,000 रुपया। तो बट हमें यहाँ पे कितना चाहिए प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए? कितना चाहिए? 60। तो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 17 पड़ा हुआ है, तो आराम से हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे 60,000 रुपया। चलो, ये हो गया। अब हम लोग इसके हिसाब से ही क्या करेंगे? जर्नल एंट्री प्लान करेंगे। तो पहले किसकी एंट्री होगी? CRR की एंट्री होगी। तो CRR की क्या एंट्री होगी? चलो देखते हैं। सबसे पहली एंट्री, ठीक है। क्या यूज़ किया हमने? जनरल रिजर्व ना, तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, आप लोग को फुल फॉर्म यूज़ करना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और अमाउंट कितना लिखोगे? 3 लाख। 3 लाख बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व हमने क्या किया? CRR क्रिएट किया। फिर सेकेंड एंट्री क्या आएगी? मैं ये फॉर्मूले से ही बताता हूँ। ये एंट्री हम लोग कर चुके हैं, अब इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। ऐसे ये एंट्री होगी। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ पे क्या प्रीमियम ऑन बायबैक, ये दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था? 3 लाख। फिर प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, वहाँ पे कितना है? 60,000, बराबर ना। 3 लाख और 60,000, 3,60,000 हो गया। टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। तो जैसे ही ये एंट्री अपनी बनती है, इसके बाद हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। बट ये एंट्री हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका नरेशन लिख लेते हैं। चलो, बीइंग बायबैक मनी ड्यू फॉर कितने शेयर्स के लिए? 30,000 शेयर्स के लिए। फॉर
30,000 शेयर्स एट द रेट ₹12 ईच। एक शेयर कितने में हम लोग खरीद रहे हैं, ₹12 में, तो यहाँ पे ₹12 लिखेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग जैसे ही ये लिखे हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, अभी उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे करेंगे, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे, 360,000, 360,000। ठीक है, बीइंग बायबैक मनी पेड ऑफ। ठीक है, बायबैक मनी क्या किया हमने, पे कर दिया। ठीक है, फिर चौथी एंट्री क्या होगी, चौथी एंट्री इसकी होगी ऐसे, पहले ये एंट्री किया हमने सीआरआर का, फिर इसकी एंट्री मारी हमने, अब हम लोग ऐसे एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम ऑन बायबैक और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग यूज़ करेंगे जनरल एंट्री मारने के लिए। प्रीमियम ऑन बायबैक यहाँ पे क्या किया था हमने, डेबिट किया था, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर क्या डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट कितना होगा, यहाँ पे अमाउंट कितना है, 60, तो 60 ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, फिर यहाँ पे टोटल कर देना। आप लोगों को कैलसी अलाउड है ना, तो आप लोग टोटल कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा जर्नल जो है ये हमने मारा है, इसका टोटल कर लेने का। ठीक है, चलो बाय।